फ्रेंड्स हाउ आर यू, कैसे हो आप सब? भाइयों आप सब बहुत अच्छे होंगे। अरे यहाँ पे टीवी, बच्चे कार्टून देख रहे हैं। मैं अभी बस नहा धो के रेडी हुई हूँ। इतनी धूप है ना कि सुबह तो पता ही नहीं चलता कि सुबह होती है कि नहीं, सीधे दोपहर जैसा फीलिंग होने लगती है। इतनी धूप देखो, सुबह का समय है। और मैं बना रही हूँ खाना, घर के काम हो चुके हैं और मेरे यहाँ कोई आने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग को दिखाऊँगी। मैं चलती हूँ खाना बनाने। तो हमारी चाय यहाँ पे रेडी हो चुकी है, चाय के साथ नाश्ता भी है। तो जो आने वाले थे, जिनके बारे में मैंने बताया था, वो आ चुके हैं। आपने कई बार देखा होगा पिछले वीडियो में, अभी तो नहीं रहता, कुछ इसकी शादी में मैं गई थी काम, बस उनका ये कजन ब्रदर है, उनके मेरी दीदी के लड़के का, गांव में भी सब देखेंगे, क्योंकि बड़ी मम्मी का लड़का है, मेरी दीदी की जेठानी का लड़का है, जैसा समझिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए अभी बना रही हूँ खाना, चावल जीरा राइस बना रही हूँ। तो घी डाल दिया इसमें, जीरा और दालचीनी और बड़ी इलायची ये सब डाल के, तो मैंने वहाँ पे जीरा राइस बना दिया और आटा भी लगा दिया फटाफट से। और पनीर भी यहाँ पे फटाफट से कट कर ले रही, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल मतलब दाल तड़का ये सब बनाऊँगी। तो जल्दी जल्दी में इतना कुछ मतलब बनाना था, उतना भी तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन समय कम था और सिंगल मैं अकेले। और दूसरी बात कि हर बार हर चीज़ का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा वीडियो ऐसे दिखाया, तो भी लंबा हो ही गया वीडियो। अभी पनीर को मैंने कट कर लिया है, क्योंकि मटर था नहीं, तो बस शिमला मिर्च, शिमला डाल के मैं बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी में। और प्याज और टमाटर को भी मैंने पीस लिया था, और अदरक लहसुन का रेडीमेड मेरे पास पेस्ट था, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं नहीं कर पाती इस वजह से, कि घर की भी साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा की, नहाई पूजा की, उतने में मतलब कि फिर वो आ गए, तो इस वजह से आने के बाद थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया था। दाल वाल मैंने बना ली, जल्दी मैं बना रही हूँ ना, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जल्दी जल्दी में मैं भिंडी भी नहीं लगाई, एक तरफ दाल पनीर की सब्जी बन गई है। और यहाँ पे गर्मा गर्म में रोटियाँ सेक ले रही हूँ, बस मुझे क्या है पापड़ तलना है और चिप्स वगैरह तलना है, वो भी रेडीमेड है, घर का बना हुआ नहीं है। घर का बना हुआ जो गांव से लाई थी वो कब का ख़त्म हो चुका है। रोटियाँ सेकने के बाद अभी मुझे सैलेड भी काटने हैं, तो यहाँ पे पहले गर्मा गर्म रोटियाँ सेक ले रही हूँ, घी लगा के रख दूँगी, फिर सैलेड काटूँगी पहले, पापड़ा वगैरह तलूँगी, फिर सैलेड काटूँगी, फिर दो थाली लगाऊँगी खाने का, और ये लोग खा लेंगे तब जाके मुझे थोड़ी बहुत राहत होगी। फिर मतलब बच्चे भी साथ में खाएंगे, बच्चे तो बिल्कुल खा नहीं रहे हैं जब से वो आया है ना, मतलब वो एक्चुअली मैं मौसी लगूंगी, वो मेरे जैसे बिक्कू मेरे लिए वैसे वो है, तो बच्चे बस मगन ही हैं। साथ में वो मोबाइल दे रखा है, मनोज नाम है उसका, तो पीयू को मोबाइल दे रखा है, मोबाइल में ही बिजी रहती है। तो खाना बनके रेडी हो गया है, बस मैंने ये जो है ना पनीर को मैंने ग्रेट नहीं किया था, थोड़ा क्या देखने में अच्छा लगता है, और बस अब जा रही हूँ सबको खाना देने। और एक चीज़ मैं भूल गई थी रायता देने के लिए, जो कि मैं बनाई थी। कहते हैं ना जल्दी जल्दी में अगर कुछ करो और तो दिमाग काम नहीं करते। यहाँ पे बेडरूम में खाने जा रहे थे हम लोग, खाते वहाँ लेके जा रही हूँ हॉल में, वहाँ भी लेके गई तो टेबल लगा दी कि टेबल पे खाएंगे, पर सबने मना कर दिया कि नीचे रो नीचे खा लेंगे, नीचे ही खा लेंगे, बट अच्छा नहीं लगता कोई जैसे गेस्ट आए तो वो जैसे नीचे बैठे, तो नीचे तो खैर बिछा हुआ है, पर फिर भी नहीं मान रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती बोला नहीं नीचे खा लेंगे, नीचे आराम से कम्फर्टेबल रहेगा, तो यहाँ पर नीचे बैठ के ये लोग खा रहे हैं। इनका फ़ोन तो चालू रहता है, किसी न किसी का फ़ोन आता ही रहता है। एक्चुअली क्या ऑफिस नहीं गए अभी तक, दोपहर यहीं पे हो गया है, इनको रिसीव करने गए थे, पापा को दे दो ये गिर जाए, खाना खा के अभी अभी ऑफिस जाएंगे, भले ही लेट जाएंगे लेकिन जाएंगे जरूर। और मैंने अभी वीडियो में देखना, उनसे मैं हाय करवा रही हूँ, उतना कुछ बोलते भी नहीं है वो,
तो देखो मैं बाद में जाके रायता मैंने दिया, भूल गई थी मैं देने के लिए, वो भी मेरे हस्बैंड ने याद दिलाया। मैं इसलिए मैं सब कुछ रेडी कर रखी थी, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाई, तो ध्यान नहीं रहा। होता है अकेले हो तो थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है, कोई भी काम आगे पीछे। मैं यहाँ पे खाना सब खा लिया, मैंने भी खा लिया, बच्चे ने भी थोड़ा बहुत जो खाया खाया। किचन में बस यहाँ पे बटन की सफाई, किचन की सफाई करके फिर मैं जाके फ्री हो जाऊँगी। सारे काम हो गए फ्रेंड्स मेरे, और तो गर्मी देखो मिर्ची पड़ी अभी, अब मिर्ची आराम से कपड़े मुझे समेट रहे, इतने सारे कपड़े हैं, अब इतना थक गई हूँ ना, जी कर रहा है कि बस लेट जाऊँ, इसलिए थक जाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, वीडियो मेरा इसलिए रह जाता है। और अभी समय देखिए ना 3:30 बज रहे हैं, साढ़े तीन बजे वीडियो क्या करूं मैं, एडिट करूं, आराम करूं, रेस्ट करूं कि कपड़े तह लगा के रखूं, थकान लग जा रही है तो वहाँ तो जा भी नहीं सकती एसी वाले रूम में। फेस पे तो सच में कुछ लगाने का मन नहीं करता, इतनी गर्मी रहती है ना, क्या ही लगाएं, पसीना पसीना। और मेरा जब भी मेरा ठंडी में और बारिश में दोनों मौसम में मेरा स्किन जो है ना एकदम से क्लीन रहता है, गर्मी स्टार्ट मेरे फेस पे दाने स्टार्ट, कि देखो बारीक बारीक दाने हैं जो कि ना बहुत ही बारीकी से देखने से दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे कैमरे में उतना नहीं दिख रहा, पर मुझे मैं मिरर में देखती हूँ जितना छोटे छोटे दाने हैं यहाँ, पता नहीं क्यों एक ही जगह पे होता है, फिक्स है और कहीं नहीं, इतनी दूर यहाँ, इतनी दूर यहाँ। अभी जब तक गर्मी रहेगी तब तक रहेगा, खत्म बारिश आई, पता नहीं कैसा, एक ऐसा नेचुरली प्रॉब्लम है मेरा नेचर के हिसाब से, जैसा नेचर बदलता है वैसा मेरा ये दाना बदलता है। फ्रेंड्स कपड़े तो रखती है, अब मैं चलती हूँ आराम करने फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से सीधे मैं शाम को मिलूँगी, यहाँ पे जा रही थोड़ा रेस्ट करने, और टाइम रहा तो एडिट करूँगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि साढ़े तीन पे रख तो गल जाएगा फ्रिज यहाँ लेके आऊँ, प्लेट लेके आऊँ, आइसक्रीम चॉकलेट लेके आए हो तो कच्ची धूप में आओ,
फ्रिज में रखना। और डेरी मिल्क चॉकलेट भी। हाँ मैं तो काफ़ी ठंडा हो गया, कुछ भी नहीं खाता हूँ, रात को खाऊंगा अभी के लिए, ये ठंडा खाऊंगा तब खा लूँगा। नहीं खा लो, नहीं खाई, बिस्किट खाई, दस दस खा तो मेरे पास आ रही है, मैं क्या करूं? जब मना करती हूँ तो कहती नहीं मेरे दर्द नहीं होता है, मेरे दर्द नहीं होता है, तो खाऊंगी मैं भी खाऊंगी। मम्मा डालू बहुत अच्छा, दर्द हो रहा तो नहीं नहीं। तो हमारी इवनिंग टीम बन रही है, अभी शाम का समय हो गया है इसलिए शाम को चाय पीते ही है, उसके बाद खाना में मेरे हस्बैंड तो ऑफिस से ही खा के आएंगे, इस वजह से उनका खाना नहीं बनाना है, हम लोगों ने खाना खा भी लिया, वो भी ऑफिस से आ गए, लेट नाइट आए मगर आ गए क्योंकि मंथन चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छे लगे तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर